हाय माय क्लास, आई एम बीटू कुमार फ्रॉम केवी उमरिया। क्लास थ्री चैप्टर थ्री गिव एंड टेक पार्ट टू। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि गिव एंड टेक जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग समझा, इंग्लिश में मैथमेटिकल समझा और बहुत सारी वर्डिंग हमने समझी कि एडिशन हमें कहाँ पर करना है और सब्ट्रैक्ट कहाँ पर करना है। जैसे लेस आता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मोर आता है तो ऐड करना है, ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखी। तो आज हम करेंगे अपनी बुक से संबंधित कुछ चीज़ें। तो इसका जो हमारा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर थ्री है, ये पेज आप पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए और इसके साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें बेटा एक किट्टू है, ये आप पढ़ोगे, आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम, इजंट इट ह्यूज, इट हैज़ 100 रूम्स, हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ रूम्स। ये किट्टू का रूम है बेटा, घर है, और ये बहुत बड़ा नहीं है क्या, ये बहुत बड़ा है, ये कह रही है, पूछ रही है, और इसमें 100 रूम्स है और इसके रूम्स हैं, उनको पेंट करने में हमें उसकी हेल्प करनी है। तो इस पूरी टेबल को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल एक फ़ोटो बनाई है, उसको समझिए पहले आप। ये फ़ोटो है बेटा, मान लो हम ये गेम है, एक गेम की तरह मान सकते हो। ये बेटा मान लो हम 36 पर हैं, ठीक है, तो हम उसके बिल्कुल राइट में जाएंगे, देखो राइट साइड में जाएंगे तो वन मोर हो जाएगा, प्लस में वन हो जाएगा, ठीक है, वन मोर हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ जाएगा। तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 37 पर पहुँच जाएंगे। हम 36 पर हैं, उसके हम वन लेफ्ट में चलेंगे उस टेबल में, तो वन लेस हो जाएगा, यानी कि एक माइनस हो जाएगा, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 35 पर। और हम 36 पर हैं, यदि हमें अबो जाना है, ऊपर जाना है, तो क्या हो जाएंगे, 10 मोर हो जाएंगे, प्लस 10 हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 46 पर, 36 में 10 मोर करेंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 46। ये कब किस वे में है, ऊपर जाने में, अबो जाने में। यदि हम 36 से बिलो आते हैं, नीचे आते हैं, तो 10 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 36 में 10 माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 26 पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, आप जहीं पर भी हो इस गेम के अंदर, ठीक है, उसके राइट साइड जाओगे तो प्लस में एक हो जाएगा, यानी कि वन मोर हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो वन माइनस हो जाएगा, यानी कि वन लेस हो जाएगा। यदि आप अप जाते हो या अबो जाते हो तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मोर हो जाएगा, और बिलो आते हो तो 10 माइनस हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलते हैं पिछली स्लाइड पर। तो इसमें क्या है, किट्टू क्या पहले थी, कहाँ पर थी, 2 पर थी, ठीक है, उसने कहाँ पर गई, वो 12 पर गई। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ए जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग डे स्टेप। कि किट्टू ने मान लो जंप लगाया 2 से 12 तक वो पहुँच गई, तो उसने कितने स्टेप क्लियर किए, ये हमें बताना है। तो हमने इसमें 2 ढूंढा, 2 के बिल्कुल अबो में क्या है, 12 है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमने क्या करना पड़ता था, 10 मोर करना पड़ता था, तो कितने स्टेप चलना पड़ता था, 10, ठीक है, प्लस में हो रहा है ना, तो 10 स्टेप हमें चलना पड़ रहा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। एक तो ये वे है, दूसरा वे आप काउंट भी कर सकते हो, 2 से आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने स्टेप हुए, 10 स्टेप हुए, तो ऐसे भी आप इसको सोलो कर सकते हो। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन, नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14। 14 से हमें वन जंप क्या जाना है, अप जाना है, तो जाइए पिछली वाली स्लाइड में, यहाँ पर आपको 14 दिखाई दे रहा होगा, 14 दिखाई दे रहा है, इसके हमने हम वन जंप अप गए तो कहाँ पर पहुँचे, 24 पर पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, 24 पर पहुँचे। इसका मीन मान लो यहाँ पर 24 था, 24 पर हम थे और हमें एक जंप अबो जाना था, तो इसमें प्लस कितने हो गए, 10 हो गए, 10 मोर हो गए, तो कहाँ पर पहुँच गए हम, 34 पर। और यदि इसने कहा है कहाँ पर थे हम, 14 पर थे, और 14 से हम 10 अबो जाएंगे, यानी अबो वन स्टेप जाएंगे, तो कितने इसमें ऐड हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 14 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, 24। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा।
ये ध्यान देना, ये देखो 14 से 24 जा रहे हैं, तो 14 प्लस 10 इक्वल 24, समझ में आ रहा है? यानी 14 से वन स्टेप हम अप गए, अप का मीन क्या था, 10 मोर, ठीक है? तो हमने इसमें 10 कर प्लस में कर दिया। इसमें देखिए लेफ्ट राइट का कुछ लफड़ा है, तो देखिए इसमें कह रखा है हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 टू 41, कि हम 22 से 41 में कैसे जा सकते हैं। तो ये 24 से वन जंप अब हो गया, 32 पर पहुंच गया, फिर वन जंप और अब होगा गया, क्योंकि अब हो जाते हैं तो प्लस 10 हो जाते हैं, तो 42 पर पहुंच गया, फिर वन लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाने पर क्या होता है, माइनस होता है वन, तो कहाँ पर पहुंच गया, 41। एक तो तरीका इसका ये था, दूसरा तरीका क्या था, 22 पर था, वन स्टेप लेफ्ट गया, कहाँ पर पहुंचा, लेफ्ट में जाने पर माइनस वन करते हैं, तो कहाँ पर पहुंच गया, 21 पर पहुंच गया, फिर टू स्टेप ये अब हो गया, वन स्टेप अब हो जाने पर 10 मोर होते हैं, तो 21 से वन स्टेप अब हो गया तो क्या आया, 31, फिर 31 से वन स्टेप अब हो गया तो 10 प्लस फिर कर दिए, कहाँ पर पहुंच गए, 41 पर हम पहुंच गए। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, आप जहाँ पर हो, जिस स्टेप पर हो, आप उसके राइट में जाओगे तो प्लस वन, उसके लेफ्ट में जाते हो तो माइनस वन कर देना, और उसके अबो में जाते हो तो प्लस 10 कर देना, और उसके बिलो में जाते हो तो माइनस 10 कर देना। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि राइट में प्लस वन, लेफ्ट में प्लस माइनस वन, और अबो में प्लस 10 और बिलो में माइनस 10। आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ क्वेश्चन मैं वर्कशीट में दूंगा जो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे ये हमने क्वेश्चन पूरे किए हैं वैसे ही आपको पूरे करने होंगे। थैंक यू।